हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं राजीव के टिप्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से HD क्वालिटी की कैसे आप YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे मैं अपने वीडियो के थंबनेल बनाता हूं, वैसे आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप भी कैसे अपना थंबनेल बना सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर थंबनेल मैं आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आने वाले हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको थंबनेल बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं पिक्सल लैब से सारे थंबनेल्स अपने बनाता हूं। दोस्तों पिक्सल लैब एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है। दोस्तों जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आपको न्यू टेक्स्ट है आपको इसको डिलीट कर देना है। तो दोस्तों इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे डिलीट वाले आइकॉन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद से दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको पहले इसका YouTube थंबनेल का साइज़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इमेज साइज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको YouTube थंबनेल पे आपको क्लिक कर देना है। YouTube थंबनेल पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इसको अपने ये जो आपका इमेज है इसको पहले आपको कलर देना है। तो दोस्तों कलर देने के लिए आपको इस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। कलर में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ ऊपर कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ प्लेन कलर आप यहाँ पे आपको चूज़ करने के लिए आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपने इस कलर को चूज़ कर लिया, दोस्तों अगर इस कलर में आप कुछ थोड़ा डार्कनेस या लाइटनेस और करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आपको जो प्लस वाला आइकॉन है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको मैन्युअली अपना कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको लाइट, यहाँ पे आपको डार्क, जैसे भी करना है आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ा एट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप कलर पे क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे आपको ग्रेडियंट कलर आपको चूज़ करना है। दोस्तों ये जो कलर है ये दो कलर को मिला के बनता है तो दोस्तों ये थोड़ा काफ़ी एट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक कलर पहले बना के दिखा देता हूँ। जैसे आपका ये डिफ़ॉल्ट कलर है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं एक कलर आपको ये मिल जाएगा और एक कलर आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों इसको ये जो आपको है इसको कैसे सेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं सेट करता हूँ आप इसको अपने हिसाब से जैसे भी आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं इस साइड में इसको कर देता हूँ और इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस वाले कलर पे क्लिक करके आपको एक कलर देना है। तो यहाँ पे मैं इस पर पहले क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड, मैं यहाँ पे और डार्क शेड कर देता हूँ। दोस्तों आप इससे थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके इसको और डार्क लाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने यहाँ पे इतना डार्क इधर कर दिया है। और दोस्तों इधर भी अगर आपको कलर देना है तो अगर इधर का कलर आपको चेंज करना है तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। और दोस्तों इसको मैं यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ और यहाँ से थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं ये आपका एक कलर बन गया है और दोस्तों ये जो कलर है ये थोड़ा काफ़ी एट्रैक्टिव लगता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि जिसे ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मैं इसी का आपको थंबनेल बना के दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाना है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यूट्यूब का एक लोगो। तो दोस्तों यूट्यूब का लोगो लेने के लिए यहाँ से आपको इसको मिनिमाइज कर देना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और दोस्तों यहाँ पर इस पर सर्च करना है यूट्यूब लोगो। और दोस्तों सर्च पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको इमेज पे क्लिक कर देना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे आपको लोगो आ गए हैं। दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे इस लोगो को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ
और इस लोगो को जब मैंने ओपन किया तो दोस्तों इस लोगो में कहीं भी किसी भी किसी एडवर्टाइजर या जो भी इस थंबनेल को बनाया है उसका यहाँ पे आपका नाम नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर इस टाइप का अगर आप कोई भी इमेज यहाँ से लेते हैं तो आपको तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसा लेना है जिस पे इस इमेज पे कहीं भी किसी का नाम ना लिखा हो, किसी भी ब्रांड का या किसी भी एडवर्टाइजर का, मतलब किसी का भी यहाँ पे आपको जो इसको बनाया है उसका नाम नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल फ्रेश है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो इमेज है इस पे अगर आप थोड़ा लंबे समय तक प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको इस टाइप का आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके और यहाँ से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड हो गया दोस्तों, अब चलते हैं एक बार फिर से हम अपने पिक्सल लाइव वाले एप्लीकेशन पे। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों जो रिसेंट डाउनलोड होता है वो यहाँ पे सबसे यहाँ पे आ जाता है एक नंबर पे, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ से आप इसको थोड़ा सा नीचे से यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से दोस्तों आपको इसको ऊपर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ से आप इसको चाहें तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, और छोटा सा करने के बाद से दोस्तों आप इसको यहाँ से खूब बढ़िया से यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं खूब बढ़िया से ये सेट हो गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ YouTube थंबनेल, यहाँ पे नीचे थंबनेल लिखना है। तो दोस्तों थंबनेल लिखने के लिए यहाँ पे ए पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पे लिख देना है, टाइप कर देना है थंबनेल। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे मैंने थंबनेल लिख दिया। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके इसको नीचे लाना है और यहाँ से इसको खींच के आपको थोड़ा सा इसको आपको बड़ा कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपको इसको जब बड़ा कर देंगे उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको इसको सबसे पहले मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे अभी मैं इसको व्हाइट कलर में ही रखता हूँ। अगर दोस्तों इसका कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको इसको स्क्रॉल डाउन करके लेफ्ट साइड आना है, यहाँ पे आपको कलर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे इससे यहाँ पे आप कलर भी इसको रख सकते हैं। अगर इसको भी चाहे ग्रेडियंट करना तो आप इसको भी आप ग्रेडियंट रख सकते हैं, बट दोस्तों ये प्लेन कलर में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे दोस्तों थंबनेल मैंने लिख दिया, यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद से दोस्तों इस पे थोड़ा सा मैं स्ट्रोक लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक पे आपको क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों ये आपका येलो कलर का है, इस पे ब्लैक कलर का स्ट्रोक जो है वो बहुत ज़बरदस्त इस पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको 13 पे कर दिया हूँ और इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको शैडो दे देना है कि ये जो आपका थंबनेल लिखा हुआ है ये थोड़ा सा और इसमें चमक आ जाए। तो यहाँ पे शैडो पे क्लिक करके आपको इसको ऑन कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं ये और आपका थोड़ा सा चमकदार हो गया है। इसको ऑफ करेंगे तो देखिए बिल्कुल थोड़ा फीका लग रहा है, आप इसको ऑन कर देंगे तो और ये बेहतर लगने लगा। इसको भी आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कैसे बनाएं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से एक बार ए पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं दोस्तों लिख देता हूँ कैसे बनाएं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैसे बनाएं। अब इसको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा कर देना है और बड़ा करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको अच्छे से सेट कर देना है। और सेट करने के बाद से दोस्तों मैं इसको व्हाइट कलर में ही रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा डार्क कलर का ये नीचे का इमेज है तो व्हाइट कलर काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे बनाए ही इसको ऐसे ही छोड़ देना है और यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रॉल करके यहाँ से आपको इसको थोड़ा बोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों बोल्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये दोस्तों देख सकते हैं ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब इस पर फिर से दोस्तों मैं स्ट्रोक लगा देता हूँ। दोस्तों ये भी ब्लैक कलर का स्ट्रोक इस पर ज़्यादा बेहतर लगेगा। दोस्तों आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रोक लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना ब्लैक कलर का ही स्ट्रोक लगाता हूँ। और स्ट्रोक लगाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे फिर से शैडो को मैं ऑन कर देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है थंबनेल कैसे बनाएं। और यहाँ पे दोस्तों अब मैं नीचे लिखना चाहता हूँ मोबाइल से 2021। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से यहाँ पे ए पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल से 2021। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है मोबाइल से 2021। अब दोस्तों इसको क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको भी और यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करने के बाद से दोस्तों इसको मैं कलर यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार कलर पे जाऊँगा और कलर पे जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे मैं इस वाले कलर को चूज़ करता हूँ और इसको थोड़ा सा और मैं लाइट देखता हूँ और लाइट हो जाता है तो मैं इसको और लाइट कर देता हूँ।
तो दोस्तों ये पूरा लाइट है, अब इससे ज़्यादा इसमें लाइट नहीं हो पाएगा, पूरा ये लाइट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से स्ट्रोक लगा देता हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करना है, स्ट्रोक ऑन कर देना है और दोस्तों स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देना है। और दोस्तों स्ट्रोक को बढ़ाने के बाद से आपको इस पर ओके कर देना है। दोस्तों अभी मैंने इसको बोल्ड नहीं किया है तो मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। और दोस्तों इस पर एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे शैडो को मैं ऑन कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अभी दोस्तों आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है YouTube थंबनेल कैसे बनाए मोबाइल से 2021। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अपना फोटो लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपना फोटो लगा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना फोटो यहाँ पे लगा दिया है। दोस्तों इसमें मैंने साइज एडजस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्रॉप पे क्लिक करता हूँ और इसका साइज जो है वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप फोटो अपना लगाइएगा तो वो PNG फाइल में लगाएगा, क्योंकि PNG फाइल की जो फोटो हैं वो काफ़ी सुंदर लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube थंबनेल कैसे बनाए मोबाइल से 2021 और यहाँ पे मेरा फोटो भी लग गया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो दोस्तों इस पर क्लिक करके इस पर भी थोड़ा सा स्ट्रोक लगा सकते हैं, तो और थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस पर भी स्ट्रोक लगा देता हूँ, स्ट्रोक को ऑन कर देता हूँ और इसमें दोस्तों मैं कलर देता हूँ रेड कलर, रेड कलर ज़्यादा बेहतर लगेगा। यहाँ पे रेड ऑन करके और थोड़ा सा मैं इसको 4 पॉइंट पे कर देता हूँ, 3-4 और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ये खूबसूरत और काफ़ी सुंदर लग रहा है। कि आपको इसको अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करना है तो आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये जो फाइल है आपका आपके गैलरी में सेव हो गया है, अब आप वहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन से अपने यूट्यूब थंबनेल को लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करिए ताकि आने वाले हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।